बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। एनडीपी से किया गया फार्मा केयर का वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, कैनेडियन हुकूमत का एतराफ। वजीर सेहत का कहना है कि एनडीपी के साथ मुजाकरात जारी हैं। ट्रूडो का कहना है कि अद्वियात की कीमतों को कम करने के लिए पहले ही कुछ इकदाम किए हैं। ऑन्टेरियो की सूबाई हुकूमत का टोरंटो से जायद $1 बिलियन नई फंडिंग का वादा। फंडिंग को मुख्तलिफ अहम मनसूबों में इस्तेमाल किया जाएगा। फंडिंग को यकीनी बनाने के लिए विफाक की मदद लाजमी दरकार होगी। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से मुल्क भर के लिए मौसम के मुतादिद इंतबाहात जारी। तूफान के सबब 35 मीटर तक बर्फबारी का इम्कान। ऑन्टेरियो के कुछ मुकामी इलाकों में ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान। रूस के इलेक्शन में मदाखलत ना की जाए, प्यूतन ने अमरीका को खबरदार कर दिया। रूसी सदर का कहना है कि मगरिब रूसोफोबिया में मुब्तला है और अमरीका रूसी वसाइल को लूटना चाहता है। रूसी इलेक्शन में मदाखलत हमला तस्वुर किया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada ke hukmaran jamaat Liberals ne tasleem kiya hai ki hukumat is saal ke aakhir tak New Democrats se kiya gaya ek aham vaada pharmacare qanoon saazi karna pura nahi kar payegi. मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स ने तस्लीम किया है कि हुकूमत इस साल के आखिर तक न्यू डेमोक्रेट से किया गया एक अहम वादा फार्मा केयर कानून साजी करना पूरा नहीं कर पाएगी। हाउस ऑफ कॉमन्स में हुकूमत के एजेंडे के इंचार्ज लिबरल वजीर ने इस बात को तस्लीम किया जिस पर बहुत से लोगों को शुबा था। लिबरल हाउस की रहनुमा करीना गोल्ड ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम इस साल के आखिर तक इसे मंजूर कर लेंगे, लेकिन हम यकीनी तौर पर काम करते रहेंगे और ये बातचीत नतीजा खेज है। लिबरल अकलियती हुकूमत एक बाज़ाब्ता एतमाद और फराहमी के मुहादे के जरिए कानून साजी करने के लिए न्यू डेमोक्रेट्स के वोटों पर इन्हिसार करती है, जिस पर दोनों जमातों ने दस्तखत किए थे। इस मुहादे के तहत एनडीपी मुतादिद पॉलिसी तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए लिबरल्स के बदले ज़रूरी हुकूमती कानून साजी की हिमायत करने पर रजामंद है। इस मुहादे के अल्फाज के मुताबिक एनडीपी की इन तरजीहात में से एक ये है कि 2023 के आखिर तक कनाडा फार्मा केयर एक्ट पास किया जाए और फिर नेशनल ड्रग एजेंसी को ज़रूरी अद्वियात और बल्क परचेजिंग प्लान के आखिर तक कौमी फार्मूलरी तैयार करने के लिए दिया जाए। ट्रूडो ने कहा कि लिबरल्स एक बिल पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनडीपी के साथ काम जारी है कोशिश करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि यह मौजूदा मुआशी तनाजर में इतना ही बड़ा है जितना हो सकता है। ट्रूडो ने कहा कि लोग इस मुल्क में दवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा अदायगी कर रहे हैं, उन्हें कभी भी किराया या खाने और दवाइयों की अदायगी के दरमियान फैसला नहीं करना चाहिए और इसी पर हम मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने अद्वियात की कीमतों को कम करने के लिए पहले ही कुछ इकदाम किए हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदाराना तरीके से काम करते रहेंगे। गोल्ड के बोलने के बाद वजीर सेहत मार्क हॉलैंड ने कहा कि इस साल के आखिर तक फार्मा केयर कानून साजी का हदफ अब भी है और फिर इसे बाद की तारीख में मंजूर होता देखना है। उन्होंने कहा कि एनडीपी के साथ मुजाकरात जारी हैं। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड और टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने टोरंटो के लिए एक बड़ी नई फंडिंग डील का ऐलान किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड और टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने टोरंटो के लिए एक बड़ी नई फंडिंग डील का ऐलान किया, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होने के बावजूद
ज़्यादातर रकम की जमानत नहीं दी जाती जब तक के विफाक मेज़ पर बैठ ना जाए। डकफोर्ड और शाओ के मुश्तरक ऐलान पर ज़्यादातर तवज्जो सूबे की तरफ से टोरंटो की दो बड़ी शाहराहों और शहर के ऑन्टेरियो प्लेस की असर नौ तरक्की पर मरकूज़ थी। बड़े ऐलान के दौरान दो माहदों बड़े मालियाती माहदे शामिल हैं जो ट्रांजिट बेघर होने और रिहाइश से मुतालिक हैं, ताहम ज़्यादातर रकम वफाकी फंडिंग पर मुनहसर है। डकफोर्ड और चाओ दोनों ने वफाकी हुकूमत से भी इसी तरह शहर के लिए फंड्स में इजाफा करने का मुतालबा किया, जो कि हालिया महीनों में इस जोड़ी की तरफ से एक बाकायदा एहतजाज रहा है। चाओ के मेयर मुंतखब होने से पहले से ही टोरंटो सिटी हॉल वफाकी हुकूमत से पैसे मांग रहा है। अप्रैल में डिप्टी मेयर जेनिफर मैककैल्वी ने वफाकी वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड को खत लिखा, जिसमें वबाई अमराज से पैदा होने वाले शहर के बजट की कमी को पूरा करने में मदद के लिए फंड्स का मुतालबा किया गया। इस वक्त फ्रीलैंड ने कहा कि शहर इसे सूबे से पूछना चाहिए। सितंबर में चाओ और फोर्ड ने वर्किंग ग्रुप की तशकील का ऐलान किया, जिसकी वजह से पीर की डील हुई। इस वक्त ओलिविया चाओ ने कहा कि शहर सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से 1.1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की खिदमात ले रहा है। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से मुल्क भर के लिए मौसम के मुतादित इंतबाहात जारी किए गए हैं। एक पेशन गोई में इंतबाह किया गया है कि तूफान 35 सेंटीमीटर तक बर्फबारी ला सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से मुल्क भर के लिए मौसम के मुतादित इंतबाहात जारी किए। एक पेशन गोई में इंतबाह किया गया है कि तूफान 35 सेंटीमीटर तक बर्फ फेंक सकता है। ये इंतबाह ऑन्टेरियो के कुछ हिस्सों बशमूल बैरी और ऑरेलिया के लिए है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि खित्ते में 20 से 35 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ सकती है। कुछ मकामी इलाकों में ज़्यादा बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। इन्वायरमेंट कैनेडा ने कहा कि 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बर्फबारी के साथ चलेंगी, जिसके नतीजे में बाज़ औकात भारी उड़ती हुई बर्फ़ की वजह से हद निगाह कम हो जाती है। इन्वायरमेंट कैनेडा ने कहा कि इनिसफिल और ऑरेंजविल समेत इलाकों को भी इसी तरह के मौसमी हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कम बर्फबारी के साथ मंगल की सुबह से 10 से 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई। इन्वायरमेंट कैनेडा ने सूबे के दीगर हिस्सों के लिए भी बर्फबारी की वार्निंग जारी करते हुए कहा कि हॉरन, पीटरब्रो और यार्क समेत इलाकों में भी बर्फबारी की तवक्को की जा सकती है। इन्वायरमेंट कैनेडा ने फिशरीज और ओशियंस कैनेडा के साथ मुश्तरका तौर पर जारी करदा एक इंतबाह में कहा, क्यूबेक के शुमाली साहिल पर च्यूरी और मंगनी जैसे इलाके तूफान के इजाफे की तवक्को कर सकते हैं। साहिल के साथ साथ साहिली सैलाब मुमकिन है और कमजोर इलाकों में साहिली कटाव मुमकिन है। महकमा मौसमियात ने नौनावत में मौसम सरमा के तूफान, बर्फानी तूफान और हवा की वार्निंग जारी की। क्लाइड रिवर के इलाके में मंगल की सुबह से जुमेरात के अवाइल तक शदीद बर्फबारी की तवक्को हो सकती है। 20 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हो सकती है। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। बीसी में ग्रेटर विक्टोरिया के इलाके और जनूबी खलीजी जजायर को भी धुंध और कम मरियत के बारे में खबरदार किया गया था, लेकिन इन इंतबाहात को भी उठा लिया गया। बीसी खित्ते के कॉटनी के मगरबी में हवा के मयार का मसला ज़ेर असर है। बयान में कहा गया है कि वजारत माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली की हिकमत अमली ने दाखिला हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर कास्टगर के लिए एक एयर क्वालिटी एडवाइजरी जारी की है, जिसकी वजह से बारीक ज़र्रात के ज़्यादा इर्तिकास की वजह से मौसमी हालात तब्दील होने तक बरकरार रहने की तवक्को है। न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर में कुछ शुमाल मशरकी इलाकों में मंगल की सुपहर से शाम के अवाइल तक हवा की वार्निंग और मौसम की खसूसी एडवाइजरी दोनों मौजूद हैं। तेज हवाएं चलने की तवक्को है जो नुकसान का सबब बन सकती हैं। बशमूल 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनूब मशरकी झोंके साहिल के कुछ हिस्सों के साथ 100 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचते हैं। इंतबाह में कहा गया है कि इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि छतों के शेंगल्स और खिड़कियों को। इन्वायरमेंट कैनेडा ने कहा कि तेज हवाएं ढीली चीजों को फेंक सकती हैं या दरख्तों की शाखें टूट सकती हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि कोई इलेक्शन 2024 में मुदाखलत ना करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि कोई इलेक्शन 2024 में मदाखलत ना करे। अपने एक बयान में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस में मार्च 2024 के इलेक्शन में मदाखलत ना की जाए। मगरिब रूसोफोबिया में मुब्तला है और अमेरिका रूसी वसाइल को लूटना चाहता है। किसी ने रूस के इलेक्शन में मदाखलत की तो उसे हमला तस्वुर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात कई दहाइयों से कशीदा हैं। रूस को हर अहम मौकों पर खदशात लाहक रहते हैं
कि अमेरिका अपना किरदार अदा करते हुए रूस को नुकसान पहुंचा सकता है। रूस यूक्रेन जंग में भी अमेरिका यूक्रेन के मुख्तलिफ तरीकों से इमदाद जारी रखे हुए है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।